NH-232 पर सरेनी थाना क्षेत्र में बने गेगासो गंगा पुल से एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक देर रात अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरा। वही हादसे की जानकारी तब हुई जब लोग सुबह टहलने गए तो देखा तो वही लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के अंदर फंसे कंडक्टर और ड्राइवर के शवों को निकालने की घंटों कोशिश की, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया जबकि दूसरा शव क्रेन मंगवा कर निकाला गया। बताया जाता है कि ट्रक ड्राइवर की नींद आने की वजह से ये भयानक दर्दनाक हादसा हुआ है। क्या है सर प्रॉब्लम? ये सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत किंगासो पुल से रात्रि करीब 2 बजे के आसपास एक डंपर अनियंत्रित होकर गंगा नदी में गिर गया, जिसमें चालक और परिचालक दोनों जो है दब गए, उनकी मृत्यु हो गई दबने कारण। चालक को निकाल लिया गया है और अभी भी परिचालक की डेड बॉडी फंसी हुई है, उसको जो है क्रेन मंगाया गया है, क्रेन जैसे ही आती है हम लोग उसको निकाल लेंगे। क्या लग रहा है सर, कैसे हादसा हुआ? नींद आ गया? ये ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर, हो सकता है कि रात में नींद लग गई हो और अनियंत्रित हो गई हो डंपर और नीचे गिर गई।